लेकर 10 साल पहले शुरू किए थे कुछ हेल्थ इशूज की वजह से, और उनके जाने के बाद मैं इसको कर रही हूँ। जो पहला चेक था वो 32 रुपये का था और हाईएस्ट चेक जो था 18 लाख प्लस का था। और सर दो गाड़ी ले चुके थे, एक फोर्ड फीगो एक ऑडी Q3, और नो फॉरेन ट्रिप कर चुके थे, तीन बेटी को करवाए हूँ। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ट्रिप पे जाना, और घर भी ले ली हूँ। सर थे तो घर लिए थे, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत सारे प्रॉपर्टी 4 से 5 प्रॉपर्टी बना चुकी हूँ सर के जाने के बाद भी। और एक गाड़ी अभी परसों दी हूँ अपनी बेटी को भी। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, मैं जो जानती हूँ, जब सर ज्वाइन किए थे, जब मेरी थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगी, जैसे कि किसी को पता नहीं होगा, मेरी शादी, मैं वैसे नेपाल की हूँ, मेरा मायका जो है नेपाल में है, सर इंजीनियर थे तो शादी हुई मैं यहाँ आई, तो उनको शुरू से ही इंजीनियर तो थे, जॉब भी कर रहे थे, लेकिन उनको नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पसंद था क्योंकि उनके सपने जो ड्रीम थे ना बहुत बड़े थे, उनको ये पता था कि जॉब से कोई पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। सारी कंपनी और जो भी काम शुरू किए वो बहुत अच्छे से करते थे, जितने लोग जानते होंगे, बहुत मतलब दिल से करते थे। जैसे होता है ना कि जो काम हम दिल से करते हैं उसमें हमेशा कामयाब होते हैं, और जो काम हम बस ऐसे बिना मन के करते हैं उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। तो किसी भी चीज़ को 100% दो, मैं भी ये चीज़ मानती हूँ, और टाइम के बहुत कंट्रोल थे जैसे सबको वहाँ पर भी देखी थी मोजपुर में। तो उसके बाद में सारी कंपनियाँ बंद हो जाती थी, फिर एक कंपनी की बहुत दिन तक किए, उसमें मुझे, मैं भी उसमें जाया करती थी जब बच्चे छोटे थे, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो थोड़ा सा टाइम लगता था। फिर वो कंपनी बंद हो गई, अब उसके बाद में ये गुरोरी जो चारों पार्टनर हैं वहीं पर मिले थे, और इन लोग क्या कहे तो मैं तो बहुत खुश हुई थी। मेरी जिठानी मुझसे कहने लगी भाभी कि अब क्या होगा, क्योंकि उस टाइम फिर बच्चे भी हो गए थे, तो मैं कही कि चलो अच्छा होगा क्योंकि 4-5 हैं तो इन लोग अपना कोई काम शुरू कर लेंगे। मैं कभी भी सर से, कभी भी उनसे मैं ये नहीं पूछी कि आपका पे आउट कितना है, या जॉब करते थे तो मैं ये नहीं पूछी कि आपकी सैलरी कितनी है, मुझे मतलब पसंद ही नहीं था ज़्यादा टोका टाके करना, तो मुझे लगता था बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होंगे, और 5 थे तो मिलके तो कोई भी कंपनी शुरू कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्या नहीं, क्योंकि इतना नहीं जानती थी कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। तो इन लोग बहुत सारे काम किए, तेल बेचे, जैसे सरकार वो अगर सब वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारी काम, लेकिन उससे एक चीज़ हमें पता चल गया, क्लियर हो गया कि ये चारों पाँचों के बस की बात नहीं है कि अदर कुछ काम कर सकें, क्योंकि उसमें थोड़ा लोगों को अवेस्टीज का जो प्रोडक्ट निकलते लेके आए, तो भाभी को दिया, रहन भाई कहने लगे कि इसका चाय बना दो, सबसे पहले चाय की पत्ती दिए, उसमें 3 प्रोडक्ट थे, स्पोलिना और एलोवेरा, तो हम हंसने लगे किचन में जाके कि इन लोग फिर कुछ कर लिए। लेकिन उसमें एक प्रोडक्ट था जो मुझे बहुत पसंद आया था, एलोवेरा, उसका रीज़न ये था कि सर के हमेशा डाइजेशन के प्रॉब्लम रहती थी, तो कहीं भी जाते थे, जो दूसरी कंपनी थी उसमें 20 डे तो बाहर ही रहते थे, सिर्फ 10 दिन घर पर रहते थे मंथ में, तो उसमें एक प्रॉब्लम बहुत आती थी कि मैं बच्चों के जो दवा होती है ना उसका सीसी धुल के रखे रहती थी, तो उसमें वो लिक्विड होने वजह देना पड़ता था। तो ये तो था, मैं अपने तरफ से हाइजीन करके देती थी कि साफ सुथरा, लेकिन क्या वो था, नहीं रहता था। लेकिन तो जो मैं इसका एलोवेरा का कैप्सूल देखी तो मैं बहुत खुश हुई थी, उससे क्या हुआ कि मैं कभी भी निगेटिव नहीं थी, हमेशा पॉजिटिव रहती थी, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर भी मैं कभी नेगेटिव नहीं थी, लेकिन इसमें जब आया तो धीरे धीरे करके ये चीज़ पता चला कि सारी कंपनी एक जैसी नहीं होती है, उसमें पिछली कंपनी में हमेशा अपना लेवल मेंटेन करना पड़ता था और बहुत एनर्जी वेस्ट होता था, पैसे भी कम थे। फिर वेस्टीज किया और उसमें बहुत कुछ मिला, लाइफ 36 डिग्री चेंज हो गई, और उसके बाद सबके जाने के बाद भी बहुत कुछ मिला मुझे, मेरी लाइफ, मेरे बच्चों की लाइफ, सब कुछ चेंज हो गया, पीछे मुड़ के नहीं देखी हूँ, बस आप लोगों का दुआ है, आप लोगों के साथ है तो आगे ही बढ़ रही हूँ। अब इसमें ये होता है कि हम जब वेस्टीज में क्यों आए,
आते हैं तो हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं किसी के कहने पे, या थोड़ा सा हम डिसबैलेंस हुए तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम निगेटिव भी होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें चले जाते हैं, तो हम अगर ये चीज़ मान के चले कि हम वेस्टेज में क्यों आए हैं और मुझे कितना टाइम देना है, जैसे हम अपना अगर बिजनेस करते हैं चाहे वो दुकान खोलें चाहे घर के नीचे ही दुकान खोलें, तो भी हमें 24 आवर में डिसाइड करना पड़ता है कि कितने घंटे हमें दुकान खोलना है। उसी तरह से वेस्टेज को भी अगर हम एक टाइम बांट लें कि हमें कितना टाइम देना है वेस्टेज में और हम क्यों आए हैं और कितने समय में हमें इसे कामयाब होना, तो ज़रूर कामयाब होंगे। इसमें कोई राकेट साइंस नहीं है, चाहे वो इन्वेस्टर हैं चाहे डायरेक्टर से लेकर इन्वेस्टर तक का सबका यही लॉजिक है कि हमें अपने टाइम पे फोकस करना पड़ेगा, अपने गोल पे फोकस करना पड़ेगा। सर थे वो जो भी करे थे तो ये एक ड्रीम लेके कहते थे कि 5 साल, 3 से 5 साल में मुझे कहाँ पहुँचना है। डायमंड किए उसके बाद में क्राउन नहीं बने थे, UCD बने थे और उसके बाद डायरेक्ट DUCD बने थे। उसको लिखिए और उसको पर डे पढ़िए, कभी भी आप नेगेटिव नहीं हो।